सो हेलो गाइस, दिस इज जवेर जाफरी और ये जो हमारा ब्रांड न्यू चैनल है क्रिकेट रोडीज, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल आपके लिए है। यहाँ पर क्रिकेट का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। और हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे क्रिकेट के बारे में हम दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी IPL 2022 शुरू हो रहा है और उससे रिलेटेड बहुत सारे हम वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएंगे, रोज़ काफ़ी सारे वीडियोज़। तो सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करते हैं कि जो IPL का पूरा जो प्रोग्राम है किस तरह से रहेगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। सबसे पहला मैच जो होगा, जिसका टाइम होगा इंडियन टाइम में रात में, शाम में 7:30 बजे 7:30 PM, और ये होगा सैटरडे के दिन 26 मार्च को पहला मैच खेला जाएगा, जो है चेन्नई सुपर किंग और KKR का। दोनों ही ज़बरदस्त टीम, एक तरफ है धोनी की टीम और एक तरफ जो है KKR की SRK की टीम। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, और इस मैच को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। देखते हैं CSK अपना जलवा बरकरार रख पाता है या फिर KKR उन्हें धो देता है। उसके बाद में जो सेकंड मैच होगा, जिसे आप देख रहे हैं, 27 मार्च को संडे का दिन होगा, और ये जो होगा इसका टाइम है 3:30 बजे का, 3:30 बजे का टाइम है दोपहर का। ये है आपका दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का। और सेम डे जो है शाम में मैच होगा 7:30 बजे संडे के दिन 27 मार्च, जो है कि पंजाब और RCB का, मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। देखते हैं क्या होता है इस बार, धमाकेदार, या पंजाब का पिछली बार जैसा ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, या उसमें वो सुधार करते हैं, चलिए देखेंगे। और इसके बाद में जो है 28 मार्च को आते हैं, तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि जो नई टीमें हैं उनका यहाँ पर होगा। एक तो है गुजरात, और जो नई एंट्री हुई है वो है LSG, मतलब लखनऊ की ये टीम है। तो ये मैच की नई ड्रेस भी होगी, सब कुछ यहाँ नया होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये मैच तो बिल्कुल मस्त मिस कीजिएगा आप 28 मार्च को रात में 7:30 बजे। और जो है इसके बाद 29 मार्च को है यहाँ पर SRH और RAR, मतलब हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का 7:30 बजे। इसके बाद में है वेनसडे के दिन बुधवार को 30 मार्च को, वो होगा RCB और KKR का 7:30 बजे। इसके बाद में 31 मार्च को जो है LSG, मतलब लखनऊ और चेन्नई के बीच में 7:30 बजे ये मैच। और 1 अप्रैल के दिन है KKR और पंजाब का 7:30 बजे। उसके बाद में सैटरडे के दिन, फिर 2 अप्रैल के दिन जो है मुंबई और राजस्थान रॉयल्स 3:30 बजे। और सेम डे जो है गुजरात और जो है दिल्ली कैपिटल्स का मैच होगा 7:30 बजे। 3 अप्रैल के दिन जो है CSK पंजाब का मैच। उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और मैच होगा, वो होगा SRH और LSG, मतलब कि लखनऊ और हैदराबाद के बीच। फिर 5 अप्रैल के दिन एक ही मैच है, RR राजस्थान रॉयल और RCB का, और 7:30 बजे। उसके बाद में 6 अप्रैल के दिन जो है वो भी एक मैच है, KKR और मुंबई इंडियंस का। उसके बाद में 7 अप्रैल को भी एक मैच है LSG और DC का, मतलब कि लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स का। उसके बाद में 8 अप्रैल के दिन जो है वो है आपके पंजाब और गुजरात का मैच। 9 तारीख को है CSK और SRH का हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग का मैच। उसके बाद में 9 अप्रैल को एक और मैच खेला जाएगा, वो है RCB और मुंबई इंडियंस का। उसके बाद में जो है 10 अप्रैल को 2 मैच खेले जाएंगे, 3:30 बजे का जो टाइम है वो KKR और DC का है। दूसरा 10 अप्रैल को जो है RR और LSG का मैच है। इसके बाद में 11 अप्रैल को एक मैच है। उसके बाद में 12 अप्रैल को, जैसे आप देख रहे हैं, CSK और RCB का मैच है। 13 अप्रैल के दिन फिर मुंबई इंडियंस और जो पंजाब का मैच है। इसके बाद में 14 अप्रैल के दिन जो है एक मैच खेला जाएगा, RR और जो है गुजरात का। इसके बाद आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर 15 अप्रैल को SRH और KKR का मैच है 7:30 बजे। 15 अप्रैल के दिन और 16 अप्रैल के दिन 2 मैच खेले जाएंगे, ये भी बड़े मैच होंगे। देखते हैं किस टाइप से, कैसी टीम क्या क्वालिफाई करती है, उसके आधार पे ये मैच होंगे। तो ये है मुंबई इंडियंस और लखनऊ का, और DC वर्सेस RCB का मैच है 16 को। और 17 तारीख में भी 2 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पंजाब और SRH
नगेट्स का मैच है, इसके बाद में गुजरात और चेन्नई का मैच है शाम में। इसके बाद में अगर बात करते हैं 18 तारीख को एक मैच है, 19 को भी एक मैच है, 20 को भी एक मैच है, 21 को भी एक मैच है, 22 को भी एक मैच है, 23 तारीख में भी आप देख रहे हैं एक मैच, 23 में दो हैं, माफ़ कीजिएगा दो हैं, KKR GT और इसके बाद में शाम में जो है RCB और SRH का मैच है। उसके बाद में 24 अप्रैल के दिन एक, 25 को एक, 26 को एक, 27 को एक, 28 को एक, 29 को एक, 30 को एक, 30 में दो हैं, 30 में भी आप देख सकते हैं कि दो मैच हैं। और इसके बाद में 1 मई को, उसके बाद में फिर 1 मई को दो मैच हैं, उसके बाद में 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई को दो मैच हैं, उसके बाद में 8 मई में दो मैच हैं, 9 तारीख में एक है, 10 मई, 11 मई में एक है, 12 मई में एक है, 13 में एक, 14 में एक, 15 में दो हैं और 16 तारीख में एक है, 17 में एक है, 18 में एक है, 19 और मैं एक और 20 मई को एक है और 21 मई, 22 मई तक ये जो चलेंगे। इसके बाद में जो भी आगे मैच होंगे, आगे आप जैसे कौन क्वालिफाई करता है उसमें सेमीफाइनल फाइनल्स जो भी होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे ये मैच। और हमारे चैनल को आप ज़रूर देख लीजिए हम यहाँ, और इस वीडियो को आप ज़रूर सेव कर लीजिए ताकि आपको टाइम टेबल ये पता चल जाए, और आप अपना कमर बेल्ट बांध करके देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा ब्रांड न्यू चैनल है और अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो हमको बहुत कुछ आप यहाँ पे चीज़ें लेकर के आने वाले हैं। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।